स्त्रियों की शिक्षा बढ़ेगी तो एक तो इनके अंदर क्या आएगा, ये इम्प्लॉयमेंट के तरफ यानी कि रोजगार के तरफ आकर्षित होंगी। जो आज अगर चार स्त्रियां ली जाए तो उसमें केवल एक ही रोजगार, बाकी तीनों नहीं कर रही है, वो इस ग्रुप में भी, इसके ऊपर नीचे तो छोड़ दीजिए, इस एज ग्रुप का भी लें तो हमारे देश में जो महिलाओं की रोजगार में भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ 25% है। और किस एज ग्रुप में, जो मेच्योर वाला एज ग्रुप है, अगर पूरा मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा और कम चला जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, उसमें भी जो रोजगार है उसका 50% जो आपके पास रोजगार है वो लेबर क्लास में है, यानी कि मजदूर है, ठीक है। तो हमें स्किल एजुकेशन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, स्किल्ड एजुकेशन के तरफ, यानी कि रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या यही है। आजकल आप देखिए सरकार इस दिशा में कैसे काम कर रही है। आप बीए करके बीएड करते थे, लेकिन अब जो कोर्सेज आ रहे हैं कि 4 ईयर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, और उसमें आप बीए बीएससी जो भी करेंगे साथ में आपके बीएड के भी कोर्सेस चलेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक आप कई लोग कई बार पछतावा करते हैं, ठीक है बीए करके आए आईएएस की तैयारी के नहीं हुए साथ, अब उस समय लगता है कि साथ कोई बीएड का लड़का है, वो प्राइमरी में टीचर हो गया था, दोस्त था, तो लगता हम भी किए होते तो हम भी क्या हो गए होते। हाँ, तो ये सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन अगर आपको बीएड की डिग्री ही उसके साथ प्रोवाइड कर दी गई है तो आप चाहे इनरोल्ड होइए दोबारा या ना होइए, वैसे भी बीए करके 2 साल बीएड करेंगे तो 5 साल हो गया, तो 4 साल में अब बीए, और तो ये स्किल्ड एजुकेशन के बात है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें शुरू की जा सकती हैं, जैसे आपको एक दिन रिमोट सेंसिंग वाले एस्पेक्ट की मैं चर्चा कर रहा था, या बहुत सारे और भी है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं ग्रामीण विकास को लेकर के, अर्बन डेवलपमेंट, नगरीय, जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। कम से कम एक कोर्स आप क्या कर सकते हैं, अनिवार्य कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को ये सजेशन दे सकते हैं। तो मैंने एक बोला ना आपको, पहला पॉइंट ये हो गया कि हम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पॉपुलेशन पॉलिसी न बनाए। जब देखो पहले तो एग्जिस्टिंग लिखा जाता है, मतलब ये जो पॉलिसी है जनसंख्या नीति ये सरकारी है और सरकार ने इसके अंदर कुछ कंपोनेंट डाल रखे हैं, तो उसको आपको एज इट इज लिखना होता है और लास्ट में 3-4 पॉइंट अपने लिखने होते हैं, ठीक है। ये आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरिंग होता है, शुरू के 3-4 लाइन और अंत के 3-4 लाइन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। शुरू का 3-4 लाइन पढ़ के एग्जामिनर समझ जाता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपका लाइन बाय लाइन पढ़े, ठीक। हाँ, हमको शुरू में ही समझ में आ जाएगा आपकी कॉपी पढ़ेंगे तो कि आप अंदर क्या लिखे हैं, तो वो शुरू की 2-3 लाइनें उनका बहुत इफेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा ये चार्ट बना दिया, अब इस चार्ट पर मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ, अगर इस चार्ट को कोई देख ले तो समझ जाएगा ना कि अगला व्यक्ति क्या बना रहे हैं, ठीक है। कापी जांचने के वाले के पास भी तो एक लिमिटेड टाइम होता है, आप इस बात को समझिए, वो भी जल्दी में होता है, उसे भी अगली कापी जांचना है, आई बात समझ में। एक उसको दिया जाएगा कि इतने समय में इतनी कापियाँ चेक कर देनी है, उसी समय में आपको अपना पूरा का पूरा असर क्या करना है, डाल देना है। शुरू के 2-3 लाइनों में आपको अपना असर क्या होता है, डाल देना होता है, और लास्ट की 2-3 लाइनों में जब आप अपना ओपिनियन लिखते हैं तो उसका भी एक कहीं ज्यादा असर पड़ता है। तो ये लिखने का तरीका है, हम लोगों को इसलिए पता है, आप में भी जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जो थ्रू आउट अच्छा स्कोर किए होंगे बचपन से लेके आज तक, तो उनको आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, सब में कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। और आप देखे भी होंगे कि आप भी अक्सर
अगर काम करेंगे तो इसी पैटर्न पे करते हैं। तो आंसर कैसे लिखा जाता है मैं देखता हूँ, ये कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है, है ना। यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ, तमाम वीडियोस पढ़े हैं कैसे अच्छा आंसर लिखें, ये कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, या एक दो घंटे का काम नहीं है कि आप एक दिन में जो है इवॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। तो पहली बात ये है कि आप क्या करिए, प्रादेशिक नियोजन करिए, जिस क्षेत्र में जनसंख्या की जो समस्या है, जैसे बिहार की क्या समस्या है, उत्तर प्रदेश की, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि देखा जाए तो इन जगहों पे है, इस पे यहाँ पर तो अब जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे अटैच सारी प्रॉब्लम आ जाएगी लिटरेसी की। तो पहला काम ये है कि हम जो जनसंख्या की नीति बनाएं वो प्रादेशिक आधार पर बनाएं, और ये जो प्रादेशिक नियोजन होता है वो राजनैतिक मानचित्र के अनुसार नहीं होगा। राजनैतिक मानचित्र का मतलब एटलस में आप यूपी बिहार ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उस आधार पर नहीं, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट एक जैसा है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं अलग अलग, लेकिन जो आपको डेटा निकल के आ रहा है उसमें एक सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी इसलिए है कि वहाँ की जो फिजियोग्राफी है, यानी जो वहाँ का ऊंचावच है, वहाँ की जो जलवायु है वो एक जैसी है, तो आप पूरे के पूरे क्षेत्र को एक इकाई मान सकते हैं। हो सकता है बुंदेलखंड और बघेलखंड की एक तरह की समस्या जनसंख्या से रिलेटेड, तो ये अब आधा बुंदेलखंड यूपी में पड़ेगा, आधा एमपी में पड़ेगा, ठीक है। अब दो तरह की पॉलिसी बना देंगे, दो स्टेट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी क्या आएगी, तो एक यूनिट बना करके काम करना पड़ता है, यही ज्योग्राफी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि हमको दो जगहों पे ध्यान देना है, एक महिला शिक्षा, क्या किस पे ध्यान देना है, हाँ देखिए जब ज़्यादा एज तक आदमी पढ़ाई करेगा, एक बड़ी समस्या जनसंख्या बढ़ने की क्या रही, 70-80 तक 18 साल तक शादी हो जाए, और नहीं होती थी 20-21-22 हुआ कि पूरा गांव पूछने लगेगा कि एकदम बूढ़ा करके ही शादी करेंगे क्या। शादी हो गई तो मान लीजिए 2 साल बच्चा नहीं हुआ तो भी गांव वालों को टेंशन रहेगी, समाज को टेंशन है बच्चा नहीं हो रहा है, अच्छा बच्चा हो गया तो लड़की हो गई 2 ठो भी टेंशन है, फिर आपको 3 वैद्य का नाम बताया जाएगा, है ना, हर तरह की व्यवस्था बताई जाएगी। अब वो मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक प्रोफेसर कहानी बताऊँ, उनकी शादी हुई रिनाउंड प्रोफेसर, वो आदमी को बच्चा नहीं हुआ पहले, फिर उन्होंने दूसरी शादी की, ठीक है, तो वहाँ हुए बच्चे लेकिन लड़कियाँ हुई, वो आदमी रिटायरमेंट से पहले सुसाइड कर लिया, 62-63 साल की उम्र में उस व्यक्ति को सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि हर जगह बैठते रहे होंगे तो यही चर्चा होती थी। तो हमारे देश में पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, 24 घंटा डिस्टर्ब करेंगे, तो आप ये भी लिखिए कि साक्षरता बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है ज्ञान बढ़ाना, क्या ज्ञान बढ़ाना। हमारे देश में किसान हुए वो आपको बता देंगे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जो देखते नहीं हैं लेकिन आप पूछेंगे तो समय बता देंगे कि कितना बज रहा होगा, 2-4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो साक्षर होना, साक्षर होना ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं है, ठीक है, हाँ। तो साक्षरता ऐसी हो, शिक्षा ऐसी हो कि जो हमें, तो ये जो मैंने लास्ट में आपको लिखा है सामाजिक चेतना है ना, तो ये जो सोशल अवेयरनेस है इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर या किसी भी समाज के अंदर कोई व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अगर मान्य है तो वो सही ही हो, परंपरागत रूप से कोई व्यवस्था चली आ रही है,
ठीक है वो सही ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं हो। ये भी जरूरी नहीं है कि उस व्यवस्था को अगर 100 में 99 लोग मान रहे हैं तो भी सही हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधे सीधे उदाहरण है सती प्रथा। ठीक है, मतलब एक पुरुष का जीवन अंत हो जाए तो इस उसके पीछे उसकी स्त्री भी, लेकिन आप ऐसा नहीं पाएंगे कि एक स्त्री का जीवन अंत हो जाए तो उसकी चिता पर पुरुष भी शहीद हो जाए, है ऐसा कोई? हमें नहीं पता है, हो सकता है हुआ हो कहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे जो जरूरी चीज है वो है सामाजिक चेतना और उसके अंदर बदलाव, उसके अंदर बदलाव। ठीक है, आईटी सेक्टर में आप बहुत आगे हैं तो कहते नारायण स्वामी का बहुत योगदान है। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेट के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आप इस तरह के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में लगते नहीं हैं, उसको लगना पड़ेगा, उसको करिएगा बनने के बाद। तीसरा पहलू ये है कि जो युवा हैं, जो मेल पुरुष युवा, इनको भी स्किल्ड एजुकेशन, किस तरह का एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन देने की क्या है आवश्यकता है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो अब लिखेंगे, उसमें सबसे पहले हम क्या जिक्र करेंगे कि जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है वो अपने पूर्ण सफलता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगला जो लिखेंगे कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं, उसके क्या क्या टारगेट हैं, और लास्ट में हम लोग अपना ओपिनियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हमको अगर मौका दे दिए, सेक्रेटरी बना दिए वेलफेयर डिपार्टमेंट का, चाइल्ड एंड फीमेल एक ही साथ होता है ना शायद, बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रम, तो अगर इसका आप सेक्रेटरी हमको बना देंगे तो हम मंत्री जी को ये सजेशन देंगे कि ये काम किया जाए तो देश का विकास हो सकता है। इसके अलावा क्या है ब्यूरोक्रेसी, यही तो है। लिखिए, भारत आजादी के बाद सन 1952 में, भारत आजादी के बाद सन 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाला प्रथम देश है। जहां 1951 में जनसंख्या की प्रतिवर्ष वृद्धि दर 1.3 थी, वह बढ़कर 1971 में 2.3 हो गई।
आज भारत अनुमानित जनसंख्या, आज भारत की अनुमानित जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। यह बढ़ी हुई जनसंख्या एक आपदा का शक्ल ले चुकी है। बढ़ी हुई जनसंख्या आपदा का, राष्ट्रीय आपदा का शक्ल ले चुकी है। जिसे प्राथमिकता देते हुए, जिसे प्राथमिकता देते हुए स्थिर करने का वक्त आ चुका है। परिवार कल्याण कार्यक्रम निर्मित होने के बाद भी, परिवार कल्याण कार्यक्रम निर्मित होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में हमें, जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में हमें यथोचित सफलता नहीं मिली। जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में हमें यथोचित सफलता नहीं मिली, क्योंकि यथोचित सफलता नहीं मिली क्योंकि नंबर वन, एक एक करके लिखिए पॉइंट वाइज, क्योंकि पिछली शताब्दी में अधिकांशतः 18 वर्ष से कम उम्र में ही क्या लिखे आप लोग, नहीं नहीं वाक्य बोलिए, बालिकाओं की शादी करा दी जाती है। जो निरंतर 21वीं शताब्दी में भी जारी है, जो निरंतर 21वीं शताब्दी में भी जारी है। कम उम्र में विवाह अधिक शिशुओं के जन्म लेने का एक कारण है। कम उम्र में ही विवाह अधिक शिशुओं के जन्म लेने का एक कारण है। दूसरा,
तकनीकी विकास के बावजूद, तकनीकी विकास के बावजूद हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास वैसा नहीं हुआ जैसा या जितना, जैसा मतलब कि जितना जनसंख्या वृद्धि हुआ। आज भी हमारे देश में यौन शिक्षा पाठ्यक्रमों से नदारद है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आप टेक्निकली एडवांस हो गए, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो एक अलग बात है। आप चंद्रमा में चले गए, आप चंद्रयान 2 लॉन्च किए, 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, मंगलयान किए, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, डिफेंस आपका बहुत मजबूत है, लेकिन इस टेक्निकल ग्रोथ के साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम मेंटालिटी नहीं बदल पा रहे हैं। लंदन में भी अगर भारत के लोग रहते हैं तो कास्टिज्म वैसे ही है जैसे अपने हिंदुस्तान में है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई परिवर्तन है, वैसे ही है, वो वहां पे भी सारा सिस्टम वैसे ही बना हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर बात नहीं होगी तब तक ये काम रुकेगा कैसे? कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन को भी एक पार्ट बना करके रखना चाहिए, क्योंकि घर में तो डिस्कशन होगा नहीं, तो लोग इसके प्रति अवेयर कैसे होंगे, इसके प्लस एंड माइनस क्या हैं वो कैसे पता चलेगा, वो आप उसमें करेंगे। आज सिविल सर्विसेज में जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को आप समझ रहे हैं, है ना? नहीं तो वही एक ट्रेंड है जिसको आप होना ही है, मस्ट है सोसाइटी के अंदर, उसको आप मान लेते हैं। तो ये है कि क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए उससे रिलेटेड। तीसरा लिखिए,